पौड़ी से सटे कोट ब्लॉक की चार ग्राम पंचायतों के ग्रामीण अपनी ग्राम सभा में सड़क की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पौड़ी में जमकर बरसे। ग्रामीणों ने उनकी ग्राम सभा में सड़क की सुविधा न होने पर हवाला देते हुए कहा कि सड़क न होने के कारण लगातार ग्रामीण लोग गांव से पलायन करते हुए मैदानी इलाकों का रुख कर रहे हैं, जिसके बाद गाँव में बुजुर्ग दंपत्ति ही रह गए हैं। गाँव में बीमार होने पर बुजुर्गों को डांडी कांडी में ले जाकर 4 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करके अस्पताल पहुंचाया जाता है। उन्होंने जिला प्रशासन को साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी ग्राम सभाओं की सड़क निर्माण का काम जल्द शुरू नहीं कराया जाता है तो ये ग्रामीण उग्र आंदोलन के लिए विवश हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ पर तब से रोड की परेशानी है, तो हम उसी विषय में आ रखे यहाँ पे कि रोड हमारे यहाँ कब रोड आएगी, हमारे यहाँ का क्षेत्र का विकास होगा हमारे यहाँ का। तो क्या बोलते हैं, हमारे जैसे किसी की तबीयत खराब होती है, किसी कोई वृद्ध आदमी है उसको मार के लेके आना है, या किसी का बैंक का काम है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, कुछ भी मतलब कोई भी परेशानी होती है, तो हमें डंडे कंडे के सारे उन्हें ऊपर सब दरखा लेके आना पड़ता है मार्केट में। 3 किलोमीटर के क्षेत्र में 3 किलोमीटर पैदल लेके आना पड़ता है, वहाँ पर रास्ते भी बहुत तंग हैं। एक जना के लिए रास्ता है, हम उसके से 2 जने को एडजस्ट करके उस रास्ते पर डंडे कंडे के सारे ऊपर रह जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए उसे भी डंडे कंडे में। हमारे यहाँ जो डंडे कंडे का हमने उसका नाम 108 रखवाया, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी है मतलब कोई भी अधिकारी लोग कोई भी मतलब उस क्षेत्र के में किसी का ध्यान नहीं जाता है, किसी को भी अगर कोई मीटिंग वगैरह तो सब मिलने के लिए बोलते हैं सफदरखा लाओ, वोट मांगने के लिए आ जाते नीचे। तो ये सही नहीं है ना कि हमारे क्षेत्र में का भी विकास हो, हमें भी हमारे यहाँ के लोग भी तरक्की करें। वहाँ कोई गाँव में नहीं मिलेगा, बूढ़े बूढ़े मिलेंगे गाँव में बस, बाकी सारे बाहर चले गए वहाँ से। मुझे बताना चाहता हूँ कि आज पहली बार ही नहीं, मैं इनके साथ पहले भी खड़ा हो चुका हूँ, और ये लोग बहुत दूर से 4 किलोमीटर पैदल चलकर आते हैं। पिछली बार ये बहुत सारे लोग बहुत सारे ग्रामीण आए थे, आज ये 5-6 लोग प्रधान जी के साथ आए हैं, और इनकी रोड की जो समस्या है वो बिल्कुल भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना ही इनको कोई अवगत कराया जा रहा है। ये राजनीति करने का समय नहीं है। मैं समस्त कोट ब्लॉक की जनता से भी ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों का सहयोग किया जाए, इनका साथ दिया जाए, और ये अब उग्र आंदोलन की तैयारी पर हैं। और मैं क्षेत्रीय विधायक और सांसद महोदय से भी कहना चाहता हूं कि इन लोगों की समस्या पे जगह जगह आपने 250-500 मीटर की 100 मीटर की रोडें दी हैं, तो कम से कम इन लोगों को भी आपने देखा होगा कि इनकी डंडी कंडी में 108 लिखा हुआ है। आज इस 20 साल हो गए हैं उत्तराखंड को बने हुए, और आज भी ये पिनिस के द्वारा मरीजों को और लोगों को सड़क तक पहुँचाया जाता है। ये इनके द्वारा बताया गया कि 4 किलोमीटर लोग अभी भी पैदल चल रहे हैं और वहाँ सड़क नहीं बनी हुई है।